इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगे दो नैंड गेट पहले। यहाँ पर जैसे आपने लिए एक नैंड गेट ये और एक नैंड ये, नैंड गेट ये, दिस इज ए बी, दैट इज ए, दैट इज बी। इसी तरह आपने यहाँ पे लिए सी और डी, ये सी और ये डी। ठीक है, अच्छा आउटपुट में क्या क्या निकलेगा यहाँ पर, और वन मोर थिंग, ये आपके पास कौन से हैं, दीज आर द नैंड गेट्स। सो नैंड गेट्स का रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इन्वर्टर, दैट इज इन्वर्टर, दोनों जगह आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा, दैट इज ए बी का बार, दैट इज ए बी का बार। यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा, सी डी का बार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है इसको, तो आप क्या करोगे, आप एक और नैंड गेट लेकर आओगे, और यहां इस नैंड गेट को आप लगाओगे, दैट इज योर नैंड गेट। यहां से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बी बार, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, ये वो मेरे पास ए बी बार, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन में सी डी बार, इस पूरे का होल बार, इस तरह से आउटपुट मुझे मिलेगा। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, सिंप्लीफाई करने में पास क्या मिलेगा, दैट इज ए बी प्लस सी डी। सो ये आपका आउटपुट का ब्रूलियन एक्सप्रेशन आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ जो क्वेश्चन था वो आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स आपको यूज़ करना है, तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स नैंड गेट से है। आप कहीं और भी आपने इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से आपका इम्प्लीमेंटेशन यही होगा। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आया था लास्ट टाइम। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास ये था बूलियन एक्सप्रेशन आउटपुट का, तो इस आउटपुट एक्सप्रेशन आपने इसको बना दिया। इनपुट क्या है, दीज आर द इनपुट्स, ये आपके पास इनपुट्स हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये आपके पास इनपुट्स हैं। अच्छा इसी तरह आपसे पूछ, आपकी अगर ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बात की जाए, तो आप ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे इसकी, यू वॉन्ट टू मेक ट्रूथ टेबल, ए बी, चार हमारे पास इनपुट है और एक आउटपुट है हमारे पास। तो अगेन हमारे पास ये ए हो गया, फॉर एग्जाम्पल ए बी, ए दैट इज बी, दैट इज सी, और ये डी, और ये ए बी प्लस सी डी। तो सबसे पहले आप इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाओगे, इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0, उसके बाद 0 0 0 1, और इसी तरह कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते जाएंगे यहाँ पर,
लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वन 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 एंड वन। टोटल कॉम्बिनेशन आप कोई मुझे बता सकता है यहाँ तक कितने होंगे? एनीवन? सिक्सटीन 16 कॉम्बिनेशन, इनपुट के टोटल कॉम्बिनेशन होगा 16। तो इन 16 कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में एक वैल्यू मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर क्या मिलेगी, दिस वैल्यू विल बी वन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी होगी, दैट इज जीरो, सॉरी ये जीरो, दैट इज ऑल्सो जीरो। ये कितनी होगी, ये कितनी, ये होगी आपकी वन। ठीक है, तो इस तरह से बीच में और भी बहुत सारे आउटपुट होंगे, आपको इस तरह से ट्रुथ टेबल एज वेल एज ये डायग्राम बना के दिखा के आना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपसे बोला जाए कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जब कैन एनी वन इम्प्लीमेंट विद, ये नैंड गेट को कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट से? सबसे पहले तो कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नॉर गेट से या नहीं, सोचो, आपके पास 5 मिनट है। क्या इस एक्सप्रेशन को नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं? थर्टी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं भाई, बोलो आप। अच्छा, कितने लोगों की बात समझ में आ गई है मैंने जो भी बताया? अरे मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा इसके पूछने के बाद, आप मुझे बता दो सभी क्लियर है या नहीं है। ये समझ ही नहीं आया किसी को, कितने लोगों को समझ नहीं आई है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों मेरी? यस सर, अरे ऐसे घूमे बन के मत बैठो, कुछ तो बोलो यार। तो मेरे भी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, ये समझ में आया नहीं कैसे करना है इसको? हाँ गया सर। नॉर गेट से भी इम्प्लीमेंट आप इसको कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नैंड और नॉर गेट आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं। यूनिवर्सल गेट का मीनिंग यही होता है कि आप कुछ भी इससे, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन आप वैसे डिजाइन कर सकते हो, तो आप इसे नॉर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट विद द नॉर गेट। सो नॉर को हम लोग क्या बोलते हैं, द नॉर गेट इज नथिंग बट द नैंड और सबसे पहले आप एक्सप्रेशन देखो इसका क्या होता है, ए प्लस बी बार नॉर के लिए, ए प्लस बी बार, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बार बी बार, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, दैट इज अ नॉर एक्सप्रेशन। अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है नैंड से, सेम एक्सप्रेशन आपको अगर नैंड से बनाना है तो आप क्या करोगे? आपके पास ए गिवन है और बी गिवन है,
सो अगर नेट से इम्प्लीमेंट करें तो क्या बनेगा, ए बी का बार, दैट इज ए बी का बार। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह लेते हैं, ए बार प्लस बी बार। अगर इसको नैंड से इम्प्लीमेंट, ये आपका नॉर का एक्सप्रेशन, और ये नैंड का एक्सप्रेशन, नैंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, व्हाट इज नैंड, द नैंड इज नथिंग बट द एंड नॉट। इसको हम लोग एंड नॉट के नाम से भी जानते हैं, एंड प्लस नॉट। अच्छा, नॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर को हम लोग बोलते हैं और प्लस नॉट। और प्लस नॉट आप बना दो तो आपका बन जाएगा नॉर, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, कि हमें सिर्फ इसका करना क्या, हमें इसका नॉर बनाना है, तो ए बार बी बार हमको बनाना है। लेट्स सी, तो ये लो इनपुट में आप ए, यहाँ तो इनपुट में ए रखो और दैट इज बी। सबसे पहले नोट बनाओ, सेकेंड सबसे पहले नॉट गेट यहाँ बना दो। नॉट गेट बनाने के कई सारे तरीके हैं, तो मैंने सपोज ही नॉट गेट यहाँ बना दिया। यहाँ से ए बार आ जाएगा और यहाँ से बी बार, ए बी ए बार बी बार चाहिए हमको, दैट इज ए प्लस बी का बार, दैट इज ए बार बी बार। एंड अगर मैं इसमें नॉट लगा दूँ तो बनेगा मेरे पास ए बार डॉट ए बी, इस मेरे पास ये नहीं होगा, मुझे चाहिए इसका ए बार एंड बी बार।
इसका और बार, ठीक है, ये बन गया अपन नेट, एक बार नेट ऑन लगाया तो क्या बन जाएगा, ए बार प्लस ए बार और बी बार, ठीक है। इनपुट में चाहिए नॉट नैंड, नॉट नैंड इज नथिंग बट द नॉर, हमारे पास यहाँ ए बार बी बार आ गया। इस ए बार बी बार को हम लोग चेंज करेंगे, पास करेंगे एक नैंड गेट से, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, दैट इज ए बार बी बार का होल बार, ए बार बी बार का होल बार, ठीक है। अगर मैं इसी को एक बार और पास करे दू किसे विद द नैंड गेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट, या मैं यूज कर रहा हूँ नैंड गेट को एज ए नॉट गेट, तो मेरे पास आ जाएगा ए बार एंड बी बार, ये बन जाएगा मेरा ए प्लस बी का होल बार, ये बन गया नैंड नॉर। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल बार। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यू नो आपके पास ये क्या नॉट, दिस इज नॉट, ये आपका नॉट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट, ठीक है। तो दो नॉट मिलके सिंपल क्या बनेंगे, एक आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास क्या बनेगा सिंपल, जो भी आप यहां से लोगे अगर दो बार उसका ले लेते हो इन्वर्जन, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको वही जो यहां पर आया था। तो हम लोग इस नोड से और इस नोड को दोनों को नलीफाई कर सकते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है इसी तरह से, आप चाहो तो इन दोनों को यहां से हटा सकते हो। अब आपके पास सिग्नल क्या बचेगा, मीन्स यहाँ से आपके पास ये चला जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा, ये दोनों खत्म। ये आ गया आपके पास ए बार बी का बार, दैट इज ए प्लस बी का होल बार, ये बन गया आपका नॉर, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना आपको नैंड में, यू नो वेरी वेल आपके पास ये जो सिग्नल है ये नॉट का है, तो आपको यहां पर एक नैंड सिग्नल, एक नैंड गेट लगाना पड़ेगा, आपने यहां पर इनपुट में नैंड गेट लगा दिया, ये बन गया आपका एंड। एंड को अगर नैंड में कन्वर्ट करना है तो अगेन आपको दो लगाना पड़ेंगे जैसे हमने पहले लगाया था, तो दो नैंड गेट लगा दो, ये बन जाएगा आपका नॉर। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऊपर वाले को दोनों, ए बी दैट इज यहां पर आएगा आपका ए बार एंड बी बार, ये बन जाएगा आपका नॉर। तो नॉर में आप नॉर को आपको इम्प्लीमेंटेशन आपको इस तरह से करना पड़ेगा नैंड के लिए,
नॉर, मतलब नैंड से अगर नॉर बनाना तो आपको इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपने एक बना लिया, दूसरा आपको अभी इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। इंडिया नंबर ऑफ नॉर गेट्स के लिए मैं इसको एक बार देख के आपको बता दूंगा, बट कन्वर्जन आपको इस तरह से करना पड़ेगा इसका। अच्छा हम लोग सर सर ये जो अपने वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी था, इसको अपने नोर से भी तो कर सकते हैं पूरे को, क्योंकि हाँ नोट से भी कर सकते हैं इसको। यही तो मैं सर आपको बता रहा था कि आपको नोट से जब करना है ना, तो आपको पहले एक्सप्रेशन इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं सर मतलब जैसे नोर से ही करें, इसमें एंड को ना नहीं लेके आए। अगर डायरेक्ट यहाँ पे नॉर आप नॉर गेट रिप्लेस कर दोगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये नहीं बनेगा। चार आपको लेना पड़ेंगे आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। यस सर, क्योंकि जैसे ए बार बी बार आया, इसके आगे अगर एक और नोड लगा देते हैं तो हाँ सर फिर उसके बाद में बन जाएगा ए डॉट बी, और सेम अपने सी डी के लिए करेंगे तब सी डी आ जाएगा, फिर उसके आगे एक और नोड लगाते थे सर ए बी प्लस सी डी आ जाएगा। करके देख लेना एक बार। लेकिन ओके मैं जहाँ सर तक मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको रिप्लेस करो नॉर गेट से, इसको भी नॉर गेट से रिप्लेस करो, दोनों को नॉर गेट से रिप्लेस कर देना और इसको भी नॉर गेट से रिप्लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर आंसर आप देख लेना एक बार कितना बेटर है। जैसे यहाँ से अगर नॉर गेट से रिप्लेस किया तो ये बैठेगा आपका ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी बार, और ये क्या बैठेगा सी प्लस डी बार। अगर इसको नॉर गेट से रिप्लेस आप लोग कर रहे हो तो सी प्लस डी का ये बार, ठीक है, ये दोनों का बार इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ जो आप लोगे यहाँ क्या बैठेगा ए प्लस बी का बार सी प्लस डी का बार, तो ये दोनों का मल्टीप्लाइकेशन आएगा, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन को जब आप खोलोगे तब ये आएगा ए प्लस बी, इसको हम ए बार बी बार लिख सकते हैं, ए बार बी बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लस, सॉरी प्लस ऑफ सी बार डी बार। अगर ये नॉर गेट है, इस बात को याद रखना, मैंने इसको नॉर में माना है, ये राइट नाउ मैं एज्यूम कर रहा हूँ नॉर है, दैट इज अ नॉर गेट। ये सारे नॉर गेट में एज्यूम करके चल रहा हूँ। सो नॉर गेट में आपके पास कॉम्प्लीमेंट ये होगा ए ए बार प्लस बी बार। जब इसका आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तक तो पहुँच गए ए, यहाँ पहुँच गए ए बी बार प्लस सी डी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, दैट मीन्स अगर मैं डायरेक्ट इसकी फॉर्म ये बरकरार रखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये नॉट से तो आपका ये बैठेगा अगर आप सीधे रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बैठेगा आपका ए प्लस बी सी प्लस डी। इसमें दो तीन नॉन गेट नॉर गेट्स या नॉर गेट्स और लगाना पड़ेंगे, तब तो आपका कन्वर्जन आपका ए बी और सी डी में आ जाएगा। और एक बार मैं नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट चेक करके बता दूंगा कितने हो सकते हैं इसमें। अच्छा इस एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने होंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन के होंगे तीन, इसके लिए तीन होंगे और इसके लिए भी आपके तीन होंगे। अब नॉट नहीं, यहाँ तीन नॉर नैंड गेट होंगे और यहाँ तीन नॉर गेट होंगे, ये तीन नॉर गेट से बनेगा। अच्छा दोनों एक्सप्रेशन को आप किसी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये श्योर है, ये गारंटी है। मैं तो एक बार देख के बता दूंगा कि कितने कितने कैसे कैसे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स इसके बनेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा लैब की हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज
लैब में आपके पास सिलेबस ज़्यादा हुआ नहीं है, और जो लैब में हमारे पास एक्सपेरिमेंट गिवन है ना वो सारे एडवांस वाले हैं, तो पहले हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे, देन उसके बाद लैब के वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा बहुत आ सकते हैं। कल का जो टॉपिक था हमारा था वो एरर डिटेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्टिंग कोड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया जब ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल होता है, सिग्नल को आप ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट वहाँ पर नॉइज़ के सिग्नल उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो एक एरोनियस सिग्नल है हमारे एक्चुअल सिग्नल के लिए, जिसकी वजह से सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट होता है और उसमें एरर आ जाती है। तो डेफिनेटली अगर उसमें एरर आई है तो उस एरर को आपको डिटेक्ट भी करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड। एक बात याद रखना, एरर डिटेक्टिंग कोड जो होते हैं वो सिंगल एरर को ही फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स अगर मल्टीपल एरर होगी ना तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सिंगल एरर है, सिंगल बिट एरर, और स्पेसिफिक हो जाओ सिंगल बिट एरर, तो दीज आर बेसिकली फॉर सिंगल बिट एरर के लिए। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सिंगल बिट एरर को ही ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ अ सिंगल एरर ट्रांसफॉर्म्स अ वैलिड कोड इनटू एन इनवैलिड कोड, इनवैलिड कोड इट इज सेट टू बी अ सिंगल एरर डिटेक्टिंग कोड, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि पहली सेंटेंस इसका यही है कि आपके पास यहाँ जो एरर होने चाहिए वो सिंगल एरर होने चाहिए, मल्टीपल एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाता ये। मोस्ट सिंपल यूज्ड एरर डिटेक्टिंग कोड मेथड इज पेरिटी चेक। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं? हम पेरिटी चेक करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर दो पेरिटी होती है, एक तो इवन पेरिटी, दूसरी होती है ऑड पेरिटी। किसकी ऑड पेरिटी? वन की ऑड पेरिटी, जो आपका नंबर वन है ना उसकी इवन पेरिटी ऑड पेरिटी हम लोग चेक करते हैं कि इवन पेयर में है वन या ऑड पेयर में है। तो आपका मैसेज का आप सपोज मानो 001 मैसेज है, तो आप पेरिटी इवन पेरिटी कोड आप अगर आप दे रहे हो तो आपके पास 001, और आप एक अलग से बिट दोगे किसके लिए? पेयर बनाने के लिए, इवन पेयर बनाने के लिए, दैट इज वन। इसी तरह अगर आपके पास सिग्नल है 010, ये मैसेज ये है, तो आप यहाँ पे एक आपकी बिट होगी वन की और एक बिट आपने पेरिटी बिट दी है, दैट इज अ पेरिटी बिट। इसको हम लोग पीसी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेरिटी, पेरिटी पीबी, पेरिटी बिट पीबी। तो इसको वन आपने एक्स्ट्रा अलग से दिया है जैसे कि आपकी ये इवन पेरिटी बिट बन जाए। अच्छा, इसी तरह ऑड पेरिटी कोड होता है। ऑड पेरिटी में कोड में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ वंस यहाँ पर क्यों होंगे? ऑड होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही वन है, यहाँ भी सिर्फ एक ही वन है, तो थ्री भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्री। अब द क्वेश्चन इज कि ये जो कोड है ये आपके ये सिर्फ चेक करेगा सिंगल एरर को, कैसे वो देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंगल एरर आई, तो सिंगल एरर होने से क्या होगा, कोई एक बिट चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक बिट ये चेंज होगी, ये होगी वन। यहाँ पर नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ वन कितने हो गए? थ्री, दैट इज नॉट इवन, ये ऑड। इसी तरह आप ये हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास ये जो वन है ये जीरो हो जाए, तो अगेन नंबर ऑफ वन यहाँ पर कितने हो गए? वन, तो अगेन आपके पास ये क्या हो गया? ऑड। आपने बोला था इवन पेरिटी कोड हमने दिया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ये वन कितने होंगे? इवन ही होंगे। तो ये चीज इसके लिए होगा सिर्फ सिंगल एरर के लिए, अब मल्टीपल एरर के लिए वैलिड क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी आपका क्या हो गया, यहाँ भी यहाँ वन था, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है, और दैट इज ऑल्सो जीरो, दोनों जीरो हो गए। अब यहाँ जो आपका जो मतलब जो भी आपका वन है वो वन कितना हो गया? द वन इज जीरो एक्चुअली, और जीरो हमारा किसमें काउंट होता है? इवन नंबर में। जीरो हमारा किसमें काउंट होगा? इवन नंबर में। तो अल्टीमेटली अभी इवन पीरियड तो है, तो मल्टीपल अगर आपके पास या मोर मोर देन मतलब अगर इवन आपकी मोर देन वन आपकी यहाँ पर एरर हो रही है, तो आपके पास ये इवन पेरिटी कोड काम नहीं करेगा, ये सिंगल एरर के लिए काम करेगा। अगर मोर देन वन एरर हो रही है या मल्टीपल एरर हो रही है तो उसके लिए काम नहीं करता।
अच्छा सेम फंडा आपके लिए ऑड पेरिटी बिट के लिए है, ऑड पेरिटी कोड के लिए हुआ है कि आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास वन हो जाए तो आप समझ जाओगे कि आप यहाँ पर सिग्नल आपका या मैसेज आपका गड़बड़ हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन आ चुका है। तो द पेरिटी मेथड कैन डिटेक्ट ओनली अ सिंगल सिंगल एरर विद इन अ वर्ड एंड नॉट डबल एरर्स। ये डबल एरर्स फाइंड आउट नहीं करते, सिंगल एरर ही फाइंड आउट करेंगे। अब एरर करेक्टिंग कोड क्या होती है, एरर करेक्टिंग कोड क्या होती है, आर डब्ल्यू हैमिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कोड फाइंड आउट किया। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिए दो कोड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिया सी आई और एक सी जे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखिए कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो इनको चेक नहीं किया। यहाँ डिफरेंस है ना, सिर्फ उनको चेक किया 10 01 10। तो यहाँ डिफरेंस किस किस में है, सबसे पहले वाली आपकी ये एम एस बी में है, फिर ये फोर्थ नंबर की लेफ्ट से फोर्थ नंबर की में है, और लेफ्ट से फिफ्थ नंबर की बिट में है चेंजेस, ठीक है। तो उन्होंने हैमिंग कोड की डिस्टेंस बताई कि अगर आपके पास इस तरह से कोई है, फॉर एग्जांपल आपके तरह से इस तरह से आपके डिफरेंस है, तो हैमिंग कोड की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 3। अब कोड कैसे जनरेट किया उन्होंने, कोड जनरेट करने का तरीका ये बताया कि अगर आप कोई हैमिंग कोड आप दे रहे हो, ठीक है, तो हैमिंग कोड के लिए फॉर्मूला आप ये लगाओगे, 7 डिजिट का हैमिंग कोड होगा, हैमिंग कोड होगा 7 डिजिट का, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, 7 बिट होंगी इसके अंदर, कितनी, 4 बिट बाइनरी नंबर, और नंबर कितना होगा, 4 बिट बाइनरी नंबर होगा, जिसकी B3, B2, B1, B0 कि इसकी बिट्स होंगी नंबर की, 4 बिट का नंबर होगा, लेकिन हैमिंग कोड कितना बनेगा, 7 बिट का। तो हैमिंग कोड आप किस तरह बनाओगे, आप इस तरह हैमिंग कोड बनाओगे H1 = B3 XOR B2 XOR B0, ये फॉर्मूले हैं इनके, H3 = B3 H2 = B3 XOR B1 XOR B0, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले उन्होंने बना दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल हम लोग लेके चले गए 0101, हमको इसका हैमिंग कोड जनरेट करना है इनटू अ 7 बिट इवन पेरिटी हैमिंग कोड। आपके पास क्या था, B3, B2, B1, B0, ये 0101 हमारे पास क्या था, B3, B2, B1, B0, तो हमने इसे H1 जनरेट कर लिया। अच्छा अब यहाँ पर ये क्या, ये XOR का सिंबल है, XOR का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने 1 XOR 1 लिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0। अगर आपने लिया 0 XOR 1 इसका आउटपुट होगा 1, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और करता हूँ 1 XOR 0 XOR 1, तब आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, 0। तो आप एक चीज ये देखो, जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ 1 होंगे XOR में आपका इवन नंबर ऑफ 1 है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0। इवन नंबर ऑफ वंस के लिए आपका आउटपुट क्या होगा, 0। या इवन नंबर ऑफ बिट के लिए आपके पास क्या होगा, आउटपुट 0। कैसे देख लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने लिया 0 XOR 0, इसका आउटपुट क्या होगा, 0। मैं कैसे इसको बता पा रहा हूं, मेरे मुझे एक्सप्रेशन पता है XOR का एक्सप्रेशन होता है AB का बार प्लस ए बार बी, ये आपका XOR का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ ए और बी दोनों 0 0 है, तो जब भी 0 0 रखो तो ये 0 आएगा। जब भी इवन नंबर ऑफ बिट आपके पास मिलेंगी आपको XOR का ऑपरेशन 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखोगे 0 1 1 तो आपके पास यहाँ क्या देखो, ये 0 है, यहाँ इवन नंबर ऑफ बिट है
मतलब ऑड नंबर है 001, 1 यहाँ पर कितना ऑड है, आपके पास क्या होगा ये 1, इसी तरह ये 1 आपके क्या है इवन नंबर है तो ये होगा 0। H3 या B3, H5 B2 और H6 B1, H7 B0, तो इसका हैमिंग कोड क्या होगा, दिस इज अ हैमिंग कोड। इसका फॉर्मूला आप ये याद रखना। अच्छा इसी तरह आपको पूछा जाए कि 7 बिट का हैमिंग कोड है, आपको इसको ये 7 बिट का हैमिंग कोड है और आपको इसका करेक्ट कोड आपको रिसीव करना है, तो करेक्ट कोड रिसीव करने का फॉर्मूला क्या है, C1H1 XOR H3 XOR H5 XOR H7, तो आएगा ये आपके पास 0 XOR 0 XOR 1 XOR 1, इसमें दोनों 1 इवन है तो ये 0। अच्छा 1 XOR 0 XOR 0 ये भी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर आपके पास 1 गया ऑड तो ये 1 होगा। ओके तो C4 C1 के पास आ गए 1 0, ये आपके पास करेक्ट कोड है। तो इस तरह से हम लोग हैमिंग कोड से मतलब कोड भी डिजाइन कर सकते हैं, करेक्ट कोड एज वेल एज इसी कोड के लिए हैमिंग कोड भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टीटीएल लॉजिक फैमिलीज, या लॉजिक फैमिलीज हम लोग शुरू करेंगे। सर सर कल आपने वो सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट्स बताया था ना सर, उसमें ये 34 माइनस 99 वाला सर कैसे होएगा? 34 माइनस 99, 90, यस सर, जैसे 99 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट तो सर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, किसका और 99, 34 माइनस 9 कितना 99 था ना, यस सर, ओके तो ये 34 आपका हो गया, इसका 9 कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, इसको अगर 9 कॉम्प्लीमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो 0 0 ऐड कर दो 34, क्या आप इस तरह बोल रहे हो उसको सर समझ में नहीं आया आपके उल्टा स्क्रीन उल्टा पे कर लो प्रेजेंट। उसको, एक सेकेंड इसको उल्टा कर लो, एक मिनट में बताता हूँ, स्क्रीन प्रेजेंट करते सर नेगेटिव कॉमन लेके करेंगे फिर तो हो जाएगा। हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, उसको उल्टा कर लो, अच्छा ऐसे कर उल्टा सकते करने से हैं, इजी हो जाएगा, उल्टा करने से आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके सर। अटेंडेंस एक बार आप लोग मुझे दे दो। तो आपको यहाँ से ही आपको लेना है मैनुअल, एक्चुअली मैनुअल्स अलग से आपको नहीं दिए जाएंगे, तो यहाँ आप जब चाहोगे तो आपके पास इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ गिवन है। तो आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट अंदर आप जाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मिलेगी। हम लोग ये थर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे, एनालिसिस सिंथेसिस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स, तो अब इसके अंदर आपको जाने के बाद पूरा एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, थ्योरी क्या है, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, इवन प्रोसीजर भी मिलेगा आपको। सिमुलेटर मैंने क्या बताया था आपको, इसके ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, सिमुलेटर में आप क्या बनाओगे, ट्रुथ टेबल। तो इंट्रोडक्शन, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव आपको सब यही से लेना है, या एक ही एक्सपेरिमेंट अभी हुआ है, बाकी एक्सपेरिमेंट आप अगर देखोगे तो इसमें अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी आपने कुछ पढ़ा है नहीं, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो आगे के हैं एक्चुअली। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाओगे तो सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट यहाँ हो सकता था जो कि मैंने करा दिया, बाकी एक्सपेरिमेंट एक बार आपके पढ़ने के बाद ही कंप्लीट हो पाएंगे। तो एक बार हम लोग सिलेबस कवर कर लेते हैं, आफ्टर कवरिंग द सिलेबस हम लोग एक्सपेरिमेंट, जो सिलेबस कवर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम जो करने वाले हैं वो करेंगे
कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, ये करेंगे हम लोग दिस वन। ठीक है, तो एक बार डिजिटल लॉजिक फैमिलीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड वाला हम लोग कर लेंगे। अब आप लोग जा सकते हो।